भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के अपना नेविगेशन उपग्रह INRSS-1I लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग के बाद यह सफलता पूर्वक अपने ऑर्बिट में भी पहुंच गया है। यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C41 के माध्यम से की गई। इस तरह के उपग्रह एक समूह का हिस्सा होंगे। PSLV-C41 INRSS-1I को गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व 4:04 पर अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। INRSS-1I INRSS-1A की जगह लेगा। 7 नेविगेशन उपग्रहों में से पहला INRSS-1A 3 रुबिडियम परमाणु घड़ियों के विफल हो जाने के बाद निष्प्रभावी हो गया था। इसी उपग्रह की जगह उपग्रह भेजने की तहत यह लॉन्चिंग इसरो का दूसरा प्रयास था जो सफल रहा। इससे पहले पिछले वर्ष अगस्त में परीक्षण अभियान विफल हो गया था। INRSS-1H उपग्रह का हीट शील्ड अलग नहीं हो पाया था। सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के चेयरमैन शिवान ने इसे सफल लॉन्चिंग करार दिया और इस पे काम कर रहे साइंटिस्ट को भी बधाई दी। SCN न्यूज की रिपोर्ट।